टाटा को श्रद्धांजलि देने दिलजीत दोसांझ ने रोका कॉन्सर्ट, बोले उनसे मेहनत करना और अच्छा सोचना सीखना चाहिए। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों म्यूजिकल वर्ल्ड टूर पर हैं। बीती रात वे जर्मनी में कॉन्सर्ट कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के निधन की खबर मिली तो उन्होंने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोक दी। दिलजीत ने स्टेज से ही टाटा को श्रद्धांजलि दी। सिंगर ने कहा, रतन टाटा जी को आप सभी जानते ही हैं, उनका आज देहांत हो गया है। मुझे कभी रतन टाटा से मिलने का मौका नहीं मिला, पर मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। आज रतन टाटा का नाम लेना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ जी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के बारे में कभी बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किया। लोगों को उनके जैसा ही होना चाहिए। दिलजीत ने आगे कहा, रतन टाटा की ज़िंदगी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, कड़ी मेहनत करें और दूसरों की मदद करें या उनके किसी काम आए। दिलजीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे देखने के बाद कई फैंस दिलजीत के जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो पर कई यूज़र्स ने कमेंट कर सिंगर के जेस्चर की तारीफ की है। एक यूज़र ने लिखा, सक्सेसफुल लोग दूसरे सक्सेसफुल लोगों को इज्जत देते हैं। वहीं एक अन्य ने लिखा, दिलजीत जब बोलते हैं तो ढेर सारा प्यार बरसता है। एक यूज़र ने कमेंट किया, हर बार आपका कॉन्सर्ट देखकर आपसे कुछ सबक मिलता है। रतन टाटा के निधन के बाद सलमान खान से लेकर अजय देवगन समेत कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अजय देवगन ने तो टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर फैंस के साथ होने वाला अपना चैट सेशन कैंसिल कर दिया है। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर की रात 11 बजे हुआ। वो 46 साल के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था।